नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ अंजलि जायसवाल। प्रदेश सरकार भले ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के तमाम प्रयास कर रही हो, लेकिन इसके उलट खुद शिक्षक ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। जी हां, ताजा मामला मुंगेली जिले के ग्राम बुचीपारा से सामने आया है, जहां मिडिल स्कूल को आदर्श स्कूल का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहां बच्चों की पढ़ाई को लेकर क्या स्थिति है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है। तो यहां खुद हेड मास्टर साहिबा को बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा अपनी नींद प्यारी है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहाँ पढ़ने वाले खुद स्टूडेंट कह रहे हैं। जी हाँ, जिस हेड मास्टर साहिबा का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, उनका नाम महेश्वरी बंजारे है, जो स्कूल आते ही बच्चों को पढ़ाने के बजाय स्कूल में सो जाया करती हैं और नींद में ना जाने क्या क्या ख्वाब देखा करती हैं। यही नहीं, अगर कभी अचानक क्लास में पहुँच गई तो बच्चों को खुद से पढ़ाई करने का ऑर्डर देती हैं और खुद आराम से बैठ कर मोबाइल चलाती रहती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जिस स्कूल की हेड मास्टर साहिबा अगर स्कूल जाते ही अपने कार्यालय में चैन की नींद सो जाए, तो उस स्कूल के शिक्षा का स्तर क्या होगा, इसका अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। सर, मैंने एक महीने बात करी है, तो कितने दिन जो है नहीं आते हैं? अच्छा, एक दो हफ्ता आता है। मैडम आती है। आप ही बस बोल रहे हो, बाकी लोग नहीं आ रहे हैं। कितने दिन आती है बेटा, बताओ सही सही बताओ। तो मैडम को फेवरेट होगा अगर तो कहीं। नहीं सर। हैं? बताओ ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ आप लोग कितने दिन आते हैं। मैडम कितने दिन आती है, मैंने मतलब जब रोज क्लास लेती है मैडम कि नहीं लेती है? उनका विषय कम्प्लीट हो गया तो रिवाइज नहीं कराती है? नहीं सर। नहीं कराती है मतलब कंप्लीट हो गया है तो अपने बैठे रहती है? संस्कृत। नहीं ठीक है बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ कि रोज क्लास में आती है कि नहीं आती है? नहीं नहीं आती। मैडम नहीं आती है? स्कूल आती है तो क्या करती है? स्कूल आती है तो स्कूल तो पढ़ाने के लिए टीचर आते हैं बेटा। मोबाइल से चक्कर चलते रहती है क्लास में बैठे बैठे। नहीं, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। मैं आप लोगों का कहाँ नाम जानता हूँ, बार-बार सब लोग बता रहे हो ना, कोई शिकायत नहीं है। मैं आप लोगों के नहीं नहीं मारेंगे तो मेरे को बताना ना बेटा, काम वाले को बताना। कोई नहीं मारेगा, ऐसे मारती है क्या? मेरा कहने का मतलब है बेटा, आप लोगों का जो पढ़ाई का स्तर है वो अच्छा हो जाए, इसलिए मैं आया हूँ। इसलिए पूछ रहा हूँ कि कौन टीचर आता है कौन टीचर नहीं आता है। जो नहीं आते हैं उनके ऊपर हम शिकायत करेंगे, ठीक है? मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सातवीं क्लास में गया था आठवीं क्लास में गया था, मैं तो ये कहूंगा कि मैं सभी क्लास में गया था। नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं जो है एक ही क्लास में गया और एक ही बच्चे से पूछ लिया और उसका बता दिया नाम में। नहीं तो हमारा स्तर सुधरे, पढ़ाई का स्तर सुधरे, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी टीचर आए सोए ना और मोबाइल चलाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल घर में चलाना है। कार्यालय में सो जाती है? मतलब अपना जो है क्लास लेती नहीं पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। मैडम क्या नाम है बेटा मैडम का? महेश्वरी बंजारे। खत्री सर कितना दिन आते हैं महीने में? अत्री अत्री हाँ भाई, मेरे को नाम पता नहीं है, कितने दिन आते हैं वो? दोनों सेम है, मतलब 15 दिन आते हैं 15 दिन नहीं आते? नहीं सर, दी दी कभी कभी आती है, दी कभी कभी आते हैं। खत्री सर बहुत आते हैं, एक आठ में महीने में कभी एक हफ्ते गायब होते हैं उससे। महीने में एक हफ्ते गायब रहते हैं पर डे नहीं आते हैं? पर डे आते हैं अत्री सर। महीने में एक हफ्ते गायब रहते हैं बोल रहे हो बेटा? यस सर, हफ्ते में एक बार नहीं आते, महीने में एक बार आते हैं। अच्छा, पर आते हैं तो प्रेड लेते हैं। हां खान डेकर सर,
सर हो जाते हैं। और कौन है? हरीश सर भी हो जाते हैं। और कौन है? जीतलहरे सर, वो कितने दिन आते हैं? वो भी हो जाते हैं। ये तीनों का कोई शिकायत नहीं, सिर्फ दो लोगों की शिकायत है। अच्छा, पढ़ाई में जैसे 6 पीरियड होना है तो पर डे 6 पीरियड होता है? नहीं होता है। मोबाइल को चकते कौन बैठे रहते हैं बेटा, ईमानदारी से बताना। मोबाइल को चकते कौन बैठे रहते हैं? कौन टीचर है जो मोबाइल को चकते बैठे रहते हैं? मैम। और उसके अलावा पढ़ाते भी पढ़ाते भी अच्छे अच्छे की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे तो सभी पढ़ाएंगे, खराब कौन पढ़ाते हैं? खराब भी तो कोई पढ़ाते होंगे ना। अच्छा अच्छा ऐसा ना। अच्छा, तो मैं कुछ लोगों से कुछ सवाल कर सकता हूँ? ठीक है, आप खड़े हो जाओ बेटा। ये कौन सा क्लास है? सातवीं है। आप मुझे 9 का पहाड़ बोलना बेटा। शिकायत मिलने के बाद हमारे संवाददाता महेश कुमार साहू ने जिला शिक्षा अधिकारी सविता राजपूत से फोन कर उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया। सुनिए जिला शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा। महेश कुमार साहू, 21 से बात कर रहा हूँ, रायपुर से। हाँ। एक मुंगेली जिले के ग्राम पूछी पारा आदर्श स्कूल में एक शिकायत मिली है। एक मैडम आती पढ़ाने आती है बट सो जाती है, ऐसे में मेरे को पता चला है ना, मेरे व्हाट्सएप में आया है जी। तो इस पर क्या कहेंगे, थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए। इस पर पहले जांच करेंगे ना, जांच उसके बाद कार्रवाई किया जाएगा। मैं जांच कर बता देती। जांच कर रहे हैं आप लोग? हाँ, अभी तो आया है व्हाट्सएप में, उसके बाद जांच करेंगे, है ना। अभी तो अगर ऐसी दोषी पाया जाएगा तो किस तरीके से कार्रवाई करेंगे आप लोग, मतलब जी? तत्काल कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि ऐसे में क्या है, शिक्षक ऐसे करतूत कर रहे हैं तो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो ही रहा है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं महेश कुमार साहू बात कर रहा हूँ, रायपुर से, न्यूज प्लस 21 से चैनल से बात कर रहा हूँ जी, रायपुर से। हाँ हाँ ठीक है, उस पर ना कार्रवाई किया जाएगा। जांच पर वीओ को दे देती हूँ जांच करने के लिए। हेलो जी 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 बताइए। वीओ को दे देती हूँ जांच करने के लिए, वो जांच करके बताएंगे और मैं भी जाऊंगी। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? डीओ है ना आप तो? हाँ हाँ जी। ठीक है मैडम, एक बार बता दीजिएगा। ठीक, एक और माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा देकर उसके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर गुरु कहे जाने वाले शिक्षक ही नन्हे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करती है। ऐसी ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।